नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण पांडे आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं दीपोत्सव स्पेशल कवि संग्राम में, जिसका नाम होता है कवि संग्राम और जो प्रसारित होता है न्यूज 18 नेटवर्क पे। तो एक बार सभी का स्वागत करता हूं देश के मेहनी कवित्रियों के साथ, और मैं आपका परिचय कराता हूं। मेरे सबसे दाहिनी तरफ है एक खूबसूरत चेहरा जिनका नाम होता है, देश की बहुत लाडली कवित्री है, और उनका नाम होता है स्वाति खुशबू। आपके बीच में बहुत बहुत स्वागत है, मुस्कुराहट देखिए इनका। और इसके बाद मैं चलता हूं अपनी बाईं तरफ, हमारी बाईं तरफ होती हैं डॉक्टर भावना तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और एक चेहरा जो आप प्रायः आप न्यूज 18 नेटवर्क पे देखा करते हैं, उनका नाम होता है मुस्कान शर्मा जी, आपके बीच में है। और पहली बार न्यूज 18 नेटवर्क पे पढ़ने आई हैं डॉक्टर प्रियदर्शनी प्रिया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और दीपोत्सव का प्रारंभ करने से पहले, दीपावली मनाने से पहले मनाया क्यों जाता है, इस पे मैं कुछ पंक्तियां रखता हूं, उसके बाद स्वाति खुशबू को आमंत्रित करता हूं कि ये दिवाली हम मनाते क्यों हैं। अयोध्या राम लौटे हैं, क्योंकि दीपोत्सव तब मनाया जाता है जब रामचंद्र जी दुष्टों का नाश करके अयोध्या वापस आए थे। अयोध्या राम लौटे हैं निपट कर आज नागों से, अयोध्या राम लौटे हैं निपट कर आज नागों से, अंधेरे भागते दिखते अभी रोशन चरागों से, अंधेरे भागते दिखते अभी रोशन चरागों से। कभी जब पुण्य का बल, याद कीजिएगा कि कभी जब पुण्य का बल जीत जाता पाप से जग में, क्या बात है, कभी जब पुण्य काबल जीत जाता पाप से जग में, तभी होता धवल दामन कलंकित नित्य नागों से। तभी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सीधे स्वाति खुशबू को आमंत्रित करता हूँ दीपोत्सव स्पेशल कवि संग्राम में, स्वागत है स्वाति खुशबू जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार अरुण जी, स्वागत है। न्यूज 18 के तमाम दर्शकों को मैं दीपावली की बधाई और शुभकामना देती हूँ, और चार पंक्तियों से पूरे देश और पूरे विश्व को एक संदेश देने की कोशिश करती हूँ, एक शुभकामना देने की कोशिश करती हूँ। अपनी आँखों को दर्पण बना लीजिए, क्या बात है, और घिस कर के चंदन बना लीजिए, क्या बात है, अपनी आँखों को दर्पण बना लीजिए, और घिस कर के चंदन बना लीजिए, राम तो आएंगे आपके पास पर, राम तो आएंगे आपके पास पर, मन अयोध्या सा पावन बना लीजिए, मन अयोध्या सा पावन बना लीजिए, क्या बात है, क्या बात है। और आगे कहती हूँ, एक आशा की ज्योति हृदय में जली, पल्लवित होगी वैभव की हर एक कली, हो रमा और गजानन की आशीष तब, हो रमा और गजानन की आशीष तब, हो सकेगी सफल सब की दीपावली, हो सकेगी सफल सब की दीपावली। और दीपावली की बात हो और हमने देखा है इन तमाम वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी सरहद पर जाकर के दीपावली मनाई है, क्या बात तो है? सरहद पाकिस्तान हिंदुस्तान और दीपावली और एक मुक्तक, सरहद पे चीन पाक से जो रार ठनेगी, सरहद पे चीन पाक से जो रार ठनेगी, लड़ने की स्थिति जो बार बार बनेगी, तो देख लेना युद्ध में राफेल के दम से, तो देख लेना युद्ध में राफेल के दम से, असली दिवाली अब किसी सीमा पार मने, बहुत बढ़िया, असली दिवाली कोई मेरा पति है, और पूरे छाप वाले पटाखे और एक मुक्तक,
बांग्लादेश की मलमल हूँ मैं, तुम ही मेरी ढाका हो। बांग्लादेश की मलमल हूँ मैं, तुम ही मेरी ढाका हो। मैं गुलाम हूँ तेरे दिल की, तुम ही मेरे आका हो। चाहे जिसके द्वारे द्वारे तुम कुकड़ू को करो मगर। अच्छा। चाहे जिसके द्वारे द्वारे तुम कुकड़ू को करो मगर। हाँ। तुम ही मेरे असली वाले मुर्गा छाप पटाका। बहुत बढ़िया। तुम ही मेरे असली वाले मुर्गा छाप पटाका। ये जो पटाका इन्होंने बताया है, इनके पति देख तो अवश्य पहुंचना चाहिए। और न्यूज 18 नेटवर्क से मैं आग्रह करूंगा कि ये मुर्गा छाप पटाका वहाँ तक जरूर पहुंचे, फिर इनकी खबर ली जाए। दीपावली का अर्थ ही है फुलझड़ियां, हंसी। बहुत बहुत बधाई हो। मैं चाहता हूँ कि पूरा न्यूज 18 नेटवर्क इस पटाके छाप कवित्री को बहुत बहुत बधाई दे, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ दीपावली की। मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। उस क्रम में देश की जानी मानी कवित्री डॉक्टर भावना तिवारी जी होती हैं। पूरे सम्मान के साथ उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर भावना तिवारी जी, आपके बीच में। सभी को नमस्कार, और न्यूज 18 के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और कुछ दोहे देती हूँ और उसके बाद एक गीत पढ़ती हूँ। स्वागत है। नन्हे दीपो ने किया, नन्हे दीपो ने किया मिलकर यूं उजियार। नन्हे दीपो ने किया मिलकर यूं उजियार। रात अमावस की मगर हार गया अंधियार। वाह 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 वाह। और हमारी सीमा पर हमारे भाई जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, जिसके कारण हम सब कोई भी उत्सव मना पाते हैं, उनको समर्पित करती हूँ। कि सीमाओं पर मिट गए, सीमाओं पर मिट गए वीर सपूत अनेक। सीमाओं पर मिट गए वीर सपूत अनेक। आओ उनके नाम का दीप जलाएं। आओ उनके नाम का दीप जलाएं। और एक आशा का गीत पढ़ती हूँ कि दीपों का उत्सव हमारे लिए आशाओं का उत्सव हो। सुनिए। वाह, स्वागत है। आशाओं के दीप जलाकर, आशाओं के दीप जलाकर जीवन में उजियारा कर। आशाओं के दीप जलाकर जीवन में उजियारा कर। कैसी भी हो मुश्किल घड़ियां, कैसी भी हो मुश्किल घड़ियां हिम्मत कभी न हारा कर। वाह वाह वाह। आशाओं के दीप जलाकर जीवन में उजियारा कर। कैसी भी हो मुश्किल घड़ियां हिम्मत कभी न हारा कर। वाह वाह वाह। आशाओं के दीप जलाकर जीवन में उजियारा कर। अंधियारा है जरा देर का, अंधियारा है जरा देर का, सूरज भी कल आएगा। अंधियारा है जरा देर का, सूरज भी कल आएगा। कठिनाई से लड़कर प्यारे मन चाहा फल पाएगा। अंधियारा है जरा देर का, सूरज भी कल आएगा। कठिनाई से लड़कर प्यारे मन चाहा फल पाएगा। आँख मिलाकर बुरे वक्त को, क्या बात है। आँख मिलाकर बुरे वक्त को, आँख मिलाकर बुरे वक्त को बड़ी जोर से डांटा कर। आशाओं के दीप जलाकर जीवन में उजियारा कर। क्या गीत है, वाह। आशाओं के दीप जलाकर जीवन में उजियारा कर। वाह वाह वाह। कोई भी दुख नहीं आखरी, कोई भी दुख नहीं आखरी, फूल झरे समझाते हैं। कोई भी दुख नहीं आखरी, फूल झरे समझाते हैं। हंसकर मिल जाते मिट्टी में रूप नया फिर पाते हैं। हंसकर मिल जाते मिट्टी में रूप नया फिर पाते हैं। क्या बात है। टूटे कितने ही
सपने पर टूटे कितने ही सपने पर टूटे कितने ही सपने पर उम्मीदें मत मारा कर टूटे कितने ही सपने पर उम्मीदें मत मारा कर आशाओं के दीप जलाकर जीवन में उजियारा कर कैसी भी हो मुश्किल घड़ियां हिम्मत कभी ना हारा कर आशाओं के दीप जलाकर जीवन में उजियारा कर आशाओं के दीप जलाकर जीवन में जी। एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस प्यारे प्यारे गीत के लिए और मैं चाहता हूँ न्यूज़ 18 नेटवर्क से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्राप्त हो इस गीत के लिए। और मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ और हमारे साथ मुस्कान शर्मा होती है, मुस्कान शर्मा को बुलाने के लिए एक पंक्ति दो पंक्तियाँ देता हूँ, फिर मुस्कान शर्मा को बुलाता हूँ कि दीपावली के दीप से होता है यह बोध, दिवाली के दीप से होता है यह बोध और जीता करता न्याय ही कोटि भले अवरोध, जीता करता न्याय ही कोटि भले अवरोध। आपके बीच में मैं बुलाना चाहता हूँ मुस्कान शर्मा जी को, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मुस्कान शर्मा का। बहुत बहुत शुक्रिया अनंत पांडे जी आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए और सभी न्यूज़ 18 के दर्शकों को मैं दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। मैं चाहती हूं कि महालक्ष्मी अपने वाहन के साथ आपके घर पे आएं, अपने पति विष्णु भगवान जी के साथ आपके घर पे आएं और हमेशा ही वास करें। देखिए मैं बात करती हूं चार चार पंक्तियों से, आप सबको जोड़ती हूं, आप सबके सामने पंक्तियां रखती हूं, कहती हूं स्वागत है। एक दुल्हन सरीखी सजाई गई, एक दुल्हन सरीखी, मैं अयोध्या की बात कर रही हूँ, देखिएगा क्या कहती हूँ कि एक दुल्हन सरीखी सजाई गई, हाथ फूलों की मेहंदी लगाई गई, बहुत बढ़िया। बाद 14 बरस जश्न जन्नत हुआ, बाद 14 बरस जश्न जन्नत हुआ, राम आए दिवाली मनाई, वाह वाह वाह, राम आए दिवाली मनाई गई। चार पंक्तियों से और जोड़ती हूँ, कहती हूँ पुष्प जितने थे सब जगमगाने लगे, पुष्प जितने थे सब जग मगाने लगे, पाप के कब्र में पांव जाने लगे, बहुत बढ़िया। राम चलते रहे सत्य पथ पर सदा, राम चलते रहे सत्य पथ पर सदा, इसलिए राम सब गुनगुनाने लगे, राम चलते रहे सत्य पथ पर सदा, इसलिए राम सब गुनगुनाने लगे। एक स्वयंवर था जिसमें बहुत देशों के राजा महाराजा आए, लेकिन जीत कर कौन लेकर गया, हमारे प्रभु श्री राम। सबने बल अपना लगा दिया लेकिन लोग लेकर कौन गया, हमारी सीता को माता किसने बनाया, उनको बनाया श्री रामचंद्र जी ने। तब ये चार पंक्तियां कहती हूँ, स्वागत है। एक अभिमान की एक सम्मान की, एक अभिमान की एक सम्मान की, और दोनों तरफ बाजियां जान की, क्या बात है, क्या बात है। तोड़ कर दंभ रावण पराजित किया, तोड़ कर दंभ रावण पराजित किया, राम की थी रही जानकी राम की, वाह, वाह। राम की थी रही जानकी राम की। चार पंक्तियां देती हूँ और कहती हूँ कि समर्पण त्याग ना जिसमें हो समर्थ हो नहीं सकता, कि समर्पण 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 त्याग ना जिसमें हो समर्थ हो नहीं सकता, जहाँ हो काम का ही वास तीरथ हो नहीं सकता। वाह 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 वाह, निभाए जो वचन बेटा, मैं आप सबके लिए पंक्तियां पढ़ती हूं, क्या बात है, क्या बात है। निभाए जो वचन बेटा बड़ी मुश्किल से मिलता है, निभाए जो वचन बेटा बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसी खातिर पिता हर एक दशरथ हो नहीं सकता, इसी खातिर पिता हर एक
मकसद हो नहीं सकता। और अद्भुत, बहुत बहुत शुक्रिया। चार पंक्तियां और देती हूँ। मौसम के कारण थोड़ा सा गला भी, पॉल्यूशन के कारण गला थोड़ा सा खिचखिचा रहा है। देखिएगा, कहती हूँ कि झुके चरणों में आकर सच में चारों धाम तुलसी के। तुलसी आप जानते हैं जिन्होंने रामचरितमानस की, रामायण की रचना की। और देखिए, जब हम कवि होते हैं, अपनी कलम पकड़ते हैं, जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती हम एक कलम में राम लिख ही नहीं सकते, क्योंकि राम को लिखवाने वाले भी राम स्वयं हमें आशीर्वाद देते हैं, तब जाकर हम राम को राम लिखते हैं। क्या बात, तो देखिएगा, कहती हूँ कि झुके चरणों में आकर सच में चारों धाम तुलसी के, हुए अनमोल फिर तुलसी, नहीं है दाम तुलसी के। लिखाया राम ने खुद को, रचा मानस जो तुलसी ने। लिखाया राम ने खुद को, रचा मानस जो तुलसी ने, तब हुए तब राम के तुलसी, हुए जब राम तुलसी। वाह वाह वाह, हुए जब राम के तुलसी, हुए तब राम तुलसी। राम जी के चरित्र का इतना अच्छा वर्णन आपने किया न्यूज 18 नेटवर्क पे। मुस्कान शर्मा जी, आपको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन दोबारा मैं करता हूँ। और जब राम जी की बात हो रही है स्वाति भावना जी, तो मेरा भी एक मन हो रहा है कि राम जी पे एक गीत प्रस्तुत करूं। और ये गीत मेरा दावा है कि आप तक किसी न किसी माध्यम से पहुंचा जरूर होगा। एक गीत रखता हूं, एक बंद रखूंगा केवल, क्योंकि मैं जानता हूं कि समय की अपनी सीमा है। और फिर मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर प्रियदर्शनी प्रिया का। हर जटिल प्रश्न के चिर समाधान है। राम जी क्या है कि हर जटिल प्रश्न के चिर समाधान है। हर जटिल प्रश्न के चिर समाधान है। राम संज्ञा नहीं बोध अभिमान है। हर जटिल प्रश्न के चिर समाधान है। राम संज्ञा नहीं बोध सम्मान है। और क्या है कि पंथ जिसको दिखाई न दे सत्य का। क्या बात, वाह। पंथ जिसको दिखाई न दे सत्य का, राम आदर्श है उस मनुज के लिए। पंथ जिसको दिखाई न दे सत्य का, राम आदर्श है उस मनुज के लिए। पाप पंकिल सदा जो रहा सृष्टि में, राम है काल से उस दनुज के लिए। पाप पंकिल सदा जो रहा सृष्टि में, राम है काल से उस दनुज के लिए। अर्थ जिसके लिए कुछ नहीं स्वार्थ का। सोचिए कि एक रात पहले ब्रह्मांड के सबसे बड़ा राजा बनने वाले थे, और अगले दिन सुबह पता चलता है कि आपको वन में जाना है साहब। तो अर्थ जिनके लिए कुछ नहीं स्वार्थ का, इसलिए राम मानो न भगवान है।